गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज, आज की जो वीडियो है वो होगी ग्रोसरीज के ऊपर, ठीक है? बिकॉज जैसे आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने घर ले लिया है। कैसा लगा घर, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। सो आज हम लोग जाएंगे गाइज पहले गुरुद्वारा। गुरुद्वारा जाने के बाद हम लोग वहाँ से जाएंगे ग्रोसरीज लेने के लिए, ठीक है? बिकॉज हम 6 लोग रहने वाले हैं, तो 6 की ग्रोसरी करेंगे। तो आप लोग को पता लगेगा आज की वीडियो में कि कहाँ से क्या चीज़ आप लोग को लेनी है होलसेल के अंदर, ठीक है? बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा लोग रहते हो एक घर के अंदर, तो होलसेल में चीज़ें लाना ज़्यादा सही पड़ता है आप लोगों को। तो आपको ये बताऊंगा यहाँ पे ऐसे कौन से स्टोर है जहाँ से आपको चीज़ें ख़रीदनी है होलसेल के अंदर, और दूसरे स्टोर्स में क्या क्या होता है। बिकॉज हम लोग जाएंगे 2-3 जगहों पे जाएंगे, तो सारा आप लोग को आइटम बताऊंगा प्राइस के ऊपर, ठीक है? अभी पहले हम लोग चलते हैं गुरुद्वारा, ठीक है? वो कैसे जा रहे हैं वो मैं आप लोग को वीडियो में बाद में बताता हूँ। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो कर दिया करो, अच्छा लगता है, अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आप जैसे आप देख सकते हो आज पहली स्नो गिरी है यहाँ पे, ठीक है? बहुत माइन्यूट सी स्नो है, इतनी ज़्यादा कोई गिरी नहीं है। बिकॉज मैं विंडसर में हूँ और यहाँ पे गाइस इतना ज़्यादा स्नो नहीं गिरता है कंपेयर टू दैट ऑफ अदर प्लेसेस इन कैनेडा, बट थोड़ा थोड़ा आज स्नो गिरा है। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कैसा गिरा है यहाँ पे। सो ये देख सकते हो गाइस, ये सारा स्नो है, ठीक है? कार के ऊपर जो गिरा है, अभी इतना ज़्यादा स्नोफॉल भी यहाँ पे विंडसर में होता नहीं है। सो ये थोड़ा सा स्नो गिरा है और रोड पे भी आप लोगों को कुछ कुछ जगहों पे थोड़ा सा स्नो देखने को मिल जाएगा। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जब बहुत अच्छा खासा स्नो गिरेगा तब। सो गाइज, आज का जो टेम्परेचर है वो है अराउंड लाइक -2 -1। घर के अंदर तो ऐसा कुछ फील हो रहा नहीं था, बट जैसे घर के बाहर निकले ना, एकदम ही भयानक ठंडी है, ठीक है? विदाउट जैकेट तो बाहर निकले तो फिर प्रॉब्लम ही हो जाएगा। अभी मैं व्लॉगिंग कर रहा था, ठीक है? व्लॉगिंग अभी फ़ोन जब मैं पकड़ता हूँ हाथ में, तो थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि हाथ मतलब मेरा है ही नहीं, मतलब हाथ को और ही बॉडी पार्ट है मेरा जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है उस तरीके का, बिकॉज वो फ्रीज हो जाता है थोड़ी देर बाद। तो आपको कॉन्स्टेंटली हाथ पॉकेट के अंदर रखना पड़ता है हीट थोड़ी ही रखने के लिए, ठीक है? और फ़ोन की बैटरी भी बहुत ड्रेन करती है यहाँ पर, ठीक है? अगर मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, ठीक है, तो फटफट बैटरी ड्रेन कर देंगी, 10% 15-20 मिनट्स में कम हो जाएगा 10%। सो इस लेवल पे बॉडी ड्रेन करती है, मतलब बैटरी ड्रेन करती है यहाँ पे। तो ये कार है गाइस जिसमें हम लोग गुरुद्वारा जाएंगे। अभी आप लोग को बताता हूँ ये कार लाइक कैसे आप करवा सकते हो, कैसे होती है चीज़ें। सो ये जो कैब्स और ये सब रहता है गाइस, ये विंडसर पूर करके ग्रुप है इंस्टाग्राम पे हमारा, ठीक है? मतलब विंडसर में जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं वो लोग का ग्रुप है, तो वहाँ पे आप लोग पोस्ट करके, ये फ्री राइड था, ठीक है? हमारे घर से यहाँ तक ये गुरुद्वारा है जैसे आप लोग देख सकते हो, ठीक है? और सामने टेम्पल है। तो अभी पहले हम लोग गुरुद्वारा में चलते हैं एंड देन विल गो टू टेम्पल। सो ये क्या होता है, आप जैसे पोस्ट करते हो ना गाइस, तो आपको कोई भी अगर कैब जा रही, राइड आ रही होगी यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पे गुरुद्वारा तक आपके घर से ड्रॉप कर देंगे एंड इट्स टोटली फ्री। आपको कोई भी चार्ज देने का ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू कम ओवर हियर, सैटरडे संडे है, सो आप विंडसरपुर में पोस्ट करके आ सकते हो। सो एक बार विंडसरपुर करके अगर आप विंडसर में आ रहे हो तो आपके काम का है, वरना नहीं तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है? सो अभी आप लोग को गुरुद्वारा दिखाता हूँ मैं अंदर से। सो गाइज, मंदिर में भी जाके आ गए एंड इट वॉज़ रियली रेज्यूविनेटिंग टू माई माइंड। इतना अच्छा लगा यहाँ पे जाके, ठीक है? बिकॉज पिछले 10 दिन से मैं मंदिर गया ही नहीं था। और यहाँ पे कैसा रहता है गाइज, अपने इंडिया जैसा नहीं रहता है कि अलग अलग भगवान के मतलब टेम्पल्स होते हैं अलग अलग, यहाँ पे सब कुछ सारे भगवानों को एक ही टेम्पल में रखा था, ठीक है? जैसे आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा। सो बस अभी भैया का वेट करते हैं, तो गाड़ी में बैठ के उनको भी वॉलमार्ट जाना है। अब देखते हैं कहाँ जाना है, सो वहाँ पर चलते हैं बिकॉज ग्रोसरीज भी लेनी है हम लोगों को। सो वी आर वेटिंग फॉर हिम, वो आए तो उसके बाद उनको भी वहाँ से कुछ सामान लेना है, हम भी ले लें। सो आप ये सोच रहे होंगे गाइस, ये सारे वेजीज़ को क्लीन या फ्रेश रखने के लिए यहाँ पे क्या रहता है ना, यहाँ पे वाटर स्प्रिंकल्स रहते हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर में ऊपर से पानी यहाँ गिरता रहता है जिसके वजह से सारे फ्रेश रहते हैं और क्लीन रहते हैं। गाइस ये ओनियंस है, ठीक है? इनकी साइज़ देख सकते हो आप, ठीक है? किस लेवल के ओनियंस है ये, ये भी ओनियंस है गाइस एंड दीज आर ऑल्सो ओनियंस, ठीक है? ये अलग अलग कलर के बड़े बड़े साइज़ के ओनियंस है।
छोटी साइज़ वाले भी अवेलेबल है, ठीक है, ये सब छोटे हैं। एंड अगर आप लोग ज़्यादा लोग हो तो बल्क में नीचे से उठा भी सकते हो, पूरा का पूरा वो ये पूरा पैक ही मिल जाता है आप लोग को ओनियंस का, ठीक है। तो पहले हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं, हमको आइडिया नहीं है कैसा है, तो पहले छोटे छोटे लेंगे एंड देन वील टेक बिग वंस अगर अच्छा टेस्ट आया तो। ये पोटैटोज है गाइस, ठीक है, ये बड़े वाले हैं और ये नॉर्मल साइज़ है। इनका प्राइस है $1.77 के आसपास के और ये 97 सेंट्स के है। सो अभी फिलहाल तो हम लोगों ने यही लिया है टेस्ट करने के लिए, देखते हैं इनका टेस्ट कैसा आता है, देन वील डिसाइड कि नेक्स्ट टाइम जब आते हैं कौन सा लेना है। सो गाइज यहाँ से लेके वहाँ तक एंड तक ये पूरा ब्रेड का सेक्शन है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के वैरायटी ऑफ ब्रेड्स हैं यहाँ पे, इतने तो मैंने इंडिया में भी नहीं देखे थे जितने यहाँ पे अलग अलग प्रकार के दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, एक दिन आके आपको अच्छे से दिखाऊंगा। सो गाइज ये लेमन है, ठीक है, लाइम जूस यहाँ पे इस तरीके का मिलता है, ठीक है। सो ये है सारी चीज़ें जो हम लोगों ने ली है, ठीक है। इसमें कुछ सामान हमारे साथ जो दूसरे दीदी आए उनका भी है, तो मैक्सिमम हमारा ही है जो दिख रहा है आप लोगों को, सिवाय कुछ चीज़ें। और अभी मेरे दोस्त वहाँ पे ओनियन लेने गए हुए हैं, सो ये पूरा आप देख सकते हो अच्छे से। गाइज मैं वॉलमार्ट का वीडियो अभी कुछ टाइम बाद बनाऊंगा, बिकॉज अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, बिकॉज मैं खुद फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, तो जो जो चीज़ें ले रहे हैं वो आप लोग को दिखा रहा हूँ। बाकी का जो डिटेल में रहेगा वीडियो वॉलमार्ट के ऊपर एक आएगा, सो वो मैं बाद में बनाऊंगा, एक बार मुझे पता लग जाए कौन सी चीज़ यहाँ पे सही मिलती है, प्राइस किसका सही है, बिकॉज कॉस्टो भी सही है, वॉलमार्ट भी है। अभी देखते हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो आप लोग को मैं बताता हूँ जिस हिसाब से है उस हिसाब से। अभी किसी और के साथ हम लोग गाड़ी में बैठ के आए, तो सोचा सामान ले लेते हैं, सामान चला जाएगा उनके साथ गाड़ी में, बिकॉज हमारे पास कार नहीं है, तो यहाँ ये दूर है काफ़ी ये वॉलमार्ट जो है वो, सो अभी कार में सारा सामान लेके घर चले जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा वो। सो अभी वीडियो में गाइज मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई है, ठीक है, सो घर चलते हैं और घर जाके आप लोग को बिल में दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने वॉलमार्ट से ली है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ग्रॉसरी है गाइज। सो छः लोगों का सामान है, सिर्फ हम तीनों का नहीं है, और भी तीन लोग है, तो टोटल छः लोगों का हम लोगों ने जो लिया है वो लिया है। सो गाइज ये सारी आइटम का स्कैन हमें खुद ही वहाँ करना पड़ता है, ठीक है, जैसे आप लोग आइटम का बारकोड वहाँ प्रेस करते हो ऑटोमेटिकली बिल आ जाता है एंड देन यू कैन प्लेस ऑल दोस थिंग्स ओवर देयर, वहाँ कवर है तो वहाँ से पैक भी हो जाती है सारी चीज़ें। और फॉर एग्जांपल अगर टोमेटो है तो डायरेक्टली आप लोग वहाँ पे टाइप करके उनके टाइप्स भी वहाँ दिखा देगा स्क्रीन के ऊपर, तो वो सेलेक्ट करके ऑटोमेटिक बिल बन जाता है। अगर गाइस कनाडा आते हो तो कनाडा ड्राई करके ड्रिंक आती है, ठीक है, इस तरीके का कैन में आता है, एक बार ट्राई करना गाइस, वन ऑफ द बेस्ट ड्रिंक्स है मैंने अभी तक कनाडा में जो पिया है, वो जिंजर एले करके है, ठीक है, डू ट्राई दिस वंस। और ये सबका बिल अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, अभी हम लोग थोड़ी देर में करते हैं, तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने लाई है फर्स्ट ग्रॉसरी में। सो ये है गाइस टोटल हमारा ग्रॉसरी, फर्स्ट ग्रॉसरी जो हम लोगों ने लिया है, ठीक है, ये सिर्फ हम तीनों के बीच में नहीं है, और भी छह जो तीन लोग आएंगे उनके लिए है, तो टोटल सिक्स लोगों का है, कुछ चीजें हमारी है, तो आप लोग को दिखा देता हूँ क्या क्या लिया है। सबसे पहले ये आशीर्वाद आटा, ठीक है, तो ये तो सब लोगों का है। फिर आता है हमारा पोहा, ये भी सबका है, बासमती राइस ले रखा है यहाँ पे। इनके प्राइस और ये सब मैं आप लोग को अलग से, मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि वॉलमार्ट के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वहां जाके हम दिखाएंगे कि क्या क्या सारी चीजें मिलती है, क्या आपको लेना चाहिए वॉलमार्ट से, क्या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये है हमारे बटर, ये है दूध, ठीक है, इसमें शायद तीन है पैकेट्स, दो या तीन पैकेट्स है इसके अंदर, तीन है। ये है आलू, ठीक है, बड़े वाले गाइस साइज में, ठीक है, ऐसे वाले बड़े वाले आलू है। ये दो ओनियन के पैकेट्स आए, ये है हमारा कैबेज, दिस इज विनेगर, ठीक है। ये है दाल हमारी, ठीक है, राइस ले लिया था, दाल भी ले ली हम लोगों ने, ये ओनियन हो गया, कॉलीफ्लावर है, ये पाव, क्योंकि आज रात में पाव भाजी बनेगी तो आज पाव लिया है। ये है मेथी, ये है टमाटर, ये है दही, दो ब्रेड के पैकेट्स, ठीक है, और ये है लेमन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया लेमन इस तरीके का यहाँ मिलता है, पता नहीं लेमन दूसरा भी था नहीं था, बट हम लोगों को भी लेमन जूस मिला तो वही लेके आए। सो ये टोटल जो है ये हमें पड़ा 105.65 के आसपास बिल आया है ये सारी चीज़ों का।
सो ये थी हमारी आज की फर्स्ट ग्रोसरी जो हम लोगों ने करी है विंडसर के अंदर या कनाडा के अंदर ही कह सकते हो आने के बाद। सो गाइज वॉलमार्ट में जो सारी चीज़ें लेनी थी वो तो ले ली हम लोगों ने, बट अभी जा रहे हैं फ्रेश को, बिकॉज बल्क में सामान उठाना है जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, फिर हमारे टॉयलेट पेपर्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी फ्रेश को जाएंगे लेने के लिए। ठीक है, अभी हो रहे हैं कुछ अराउंड 5 बज रहे हैं। सो वॉलमार्ट और फ्रेशको ये दोनों से गाइज हम लोगों ने सामान ले लिया है। ठीक है, आज टोटल जो खर्चा किया है ग्रोसरीज के ऊपर वो है $156। ठीक है, तो सारा जो भी सारी चीज़ें एसेंशियल चीज़ों की ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें ले ली है। अभी घर जाते हैं और पाव भाजी बनाएंगे आज, बिकॉज हमारा फर्स्ट डे है हमारे घर के अंदर, नए घर के अंदर। सो पाव भाजी बनाएंगे एंड आप लोग को दिखाता हूँ किस तरीके से बनाते, बिकॉज इट्स फर्स्ट टाइम हमने कभी पेरेंट्स के अलावा पाव भाजी बनाई नहीं है। सो आप लोग को बताऊंगा मैं किस तरीके का पाव भाजी का टेस्ट आता है। सो अभी बस का वेट कर रहा हूं मैं, बस अप्रॉक्सीमेटली 12 मिनट में आ जाएगी। ठीक है, तो बस पकड़ते हैं और देन फिर घर चलते हैं, और घर चल के फिर चालू करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी 7 o'clock हो चुका है। सो गाइस ये छाछ है बटर मिल्क, वो पाव और ऊपर जो मेरा दोस्त थेपले लाया था वो लेमन है। ठीक है, एक्स्ट्रा अगर रहा तो, देन भाजी भी बनाई है अभी, देख सकते हो आप। ठीक है, दिस इज भाजी, ये हमारे प्रिंस भाई ने बनाई है। यहाँ पे रात गाइज इंडिया जैसी नहीं होती, देख सकते हो आप लोग, स्काई देख सकते हो, बिल्कुल डार्क नहीं है, मतलब इट्स नॉट कम्प्लीटली लाइक इंडिया में कैसा पूरा डार्क होता था वैसा नहीं है, यहाँ पे लाइट थोड़ी बहुत रही जाती है ये साइड पे। एंड यू कैन सी ये एम्बेसडर ब्रिज, शाम में मैंने ये वाला व्यू दिखाया था आप लोगों को, अब ये देख सकते हो आप लोग, दिस इज़ कम्प्लीट अमेरिका। सामने जो भी दिख रहा है आप लोग को वो अमेरिका है। ओके गाइज, तो आज की वीडियो यहीं पे कम्प्लीट करते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो मैंने दिखा दिया आप लोग को, सुबह से लेकर रात तक हम लोग कहाँ गए क्या किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा, और अगर मुझे अच्छा लगा टॉपिक तो मैं उसके ऊपर एक और वीडियो भी बना दूंगा। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।